हाय दोस्तों, नमस्कार। बोनस पिक में एक और शेयर मैं लेकर आया हूँ आज, और इसके अंदर मैं बात करूँगा एमी ऑर्गेनिक की। एमी ऑर्गेनिक की जो लिस्टिंग हुई है अभी सितंबर मंथ में हुई है, और सितंबर मंथ के अंदर ही जो बाइंग करी है आशीष कचौलिया जी ने, इसके अंदर एक अच्छी खासी बाइंग की है। और उसके बाद से इस शेयर के अंदर अभी भी काफ़ी अच्छा जो करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसके ओवरऑल इसके शेयर की बात करूँ तो इसके अंदर एक अच्छा खासा जो करेक्शन है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जैसे ही शेयर की लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद इस मंथ के अंदर आशीष जी ने यहाँ पर बाइंग की है, और यहाँ बाइंग करने के बाद आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं शेयर के अंदर यहाँ अभी भी काफ़ी अच्छा जो करेक्शन आपको दिखाई दे रहा है इस शेयर के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो बाइंग हुई है वो लगभग 1281 के अंदर बाइंग हुई है। और आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि आप उनसे भी कम रेट पर अभी भी शेयर के अंदर एक अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अभी भी जो एक यहाँ का फिगर था और अब जो यहाँ का फिगर दिखाई दे रहा है आपको वो काफ़ी लो है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने लगभग 52 करोड़ रुपये इसके अंदर लगाए, तो आप अच्छी तरीके से ये समझ सकते हैं कि इस शेयर के अंदर अभी कितनी मजबूती आनी बाकी है, और आगे आने वाले टाइम में ये शेयर आपको किस हिसाब से आपको रिटर्न दे सकता है। तो डेफिनेटली क्या होता है कि देखिए, कोई बड़ा इन्वेस्टर जब पैसे लगाता है, और तो काफ़ी अच्छी रिसर्च के बाद ही वो पैसे लगाता है। मैं फर्दर आपको इसकी वेबसाइट के ऊपर भी ले जाऊंगा, जहां मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यह कंपनी करती क्या है। लेकिन यहाँ दूसरी सबसे पहली बात यह है कि जो उन्होंने ख़रीदारी की है वो काफ़ी ऊँचे प्राइस पर की, और अभी भी हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है वो यहाँ पर बनती हुई काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। तो इस तरह से आप उनसे भी कम प्राइस पर इस शेयर को ख़रीद सकते हैं इस समय। और जो फर्दर उन्होंने इसमें लगभग 52 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो काफ़ी अच्छी स्टडी के बाद ही उन्होंने इसके अंदर 52 करोड़ रुपए लगाए होंगे, और आगे आने वाले टाइम में भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देता हुआ यह शेयर नज़र आएगा। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गया हूँ आपको एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं किस तरह से यह काम करती है और किस तरह से जो एक्सपर्टीज़ है इस कंपनी की, मैं फर्दर आपको इसके बारे में बताऊंगा और क्या यह कंपनी करती हुई आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर टच करें तो एमी हिस्ट्री की बात करते हैं, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझ आएगा कि किस तरह से कंपनी काम करती है। विद द फाउंडिंग ऑफ द एमी ग्रुप वी, इस तरह से स्पेशलिटी केमिकल फॉर द एग्रो केमिकल कॉस्मेटिक पॉलीमर, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कंपनी किस हिसाब से केमिकल स्पेशलिटी केमिकल ऑर्गेनिक के क्षेत्र में काम करती हुई नज़र आ रही है। और पेट्रोकेमिकल, आजकल होता क्या है कि जो भी केमिकल कंपनी है उसका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा होता है, जिसके अंदर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि कंपनियों के पास एक बड़ी, यहाँ देखिए एग्रोकेमिकल केमिकल्स स्पेशलिटी केमिकल्स भी है, एग्रोकेमिकल्स भी है, कॉस्मेटिक्स भी है, पॉलीमर भी है। इस तरह से काफ़ी जो प्रोफाइल होता है या इस समय प्रोडक्टिविटी जो निकलती हुई आती है कंपनी की, वो काफ़ी वर्सेटाइल होती है, पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आगे जो कोई भी मार्केट के अंदर काम होता है, यहाँ पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि जो फार्मा के सेक्टर में काफ़ी अच्छा प्लेयर है ये, और केमिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी भी, बहुत जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह से बिल्डिंग अ रिच हेरिटेज, यहाँ पर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि द ईयर वॉर 2007 व्हेन वी लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द एमी ऑर्गेनिक, तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। लेकिन जो मार्केट के अंदर जो इस समय इसका शेयर प्राइस अगर देखिए आप कंपेयर करेंगे और दूसरी कंपनियों के हिसाब से, तो प्राइस बहुत अच्छा है, अट्रैक्टिव प्राइस है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती हुई इस कंपनी ने दिखाई। और फर्दर ग्रोथ के लिए ही कंपनी अपना अपने जो इन्वेस्टमेंट है और जो इस अपनी शेयर होती है उनको सेल करती है, और उसके बाद काफ़ी अच्छी मनी को जो मैनेज करने के लिए, जो ऑर्गेनाइज करने के लिए ही लिस्टिंग हुई है। तो फर्दर इसी हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर जो प्रोडक्टिविटी है, जो फैसिलिटीज़ हैं ये प्रोडक्ट करने की, तो इसी हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं फर्दर आपको यहाँ वेबसाइट के ऊपर आपको ये दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस हिसाब से ये कंपनी काम करती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर आप देखेंगे कि जो कंपनी का प्रोफाइल है वो बहुत अच्छा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो एमी ऑर्गेनिक है उस हिसाब से काफ़ी अच्छा काम करती हुई नज़र आ रही है। देखेंगे किस तरह से अवार्ड भी दिया गया, सुरेश प्रभु जी ने इनको काफ़ी अच्छा अवार्ड दिया है। तो डेफिनेटली काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है, यहाँ पर एक्सपर्टीज़ है। इस तरह से आप इनकी वेबसाइट खुद भी विजिट कर सकते हैं, और इनके मिशन हो गया, हिस्ट्री हो गई, एक्सपीरियंस हो गया, वो आप देख सकते हैं। मोटी मोटी मैं बात बताना चाहूँगा कि एमी ऑर्गेनिक इज़ दी डेलीगेट मैनेजमेंट फार्मास्यूटिकल कंपनी विल दी विद दी फ्लेक्सीबिलिटी। तो इस तरह से ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स है, एंड अगर इसकी जो
काम करने का तरीका देखा जाए या जो अभी इस समय जो कंपनी है तो सेटिस्फाइज कस्टमर्स जो हैं वो लगभग 150 हैं, और लगभग कमर्शलाइजेशन प्रोडक्ट इनके 450 प्रोडक्ट हैं जो कमर्शियल के अंदर चलते हैं, और 25 कंट्रीज़ के अंदर इनकी प्रेजेंस है। अप्लाइड पेटेंट्स जो पेटेंट्स जो प्रोडक्ट हैं वो लगभग 11 से भी ज़्यादा हैं। तो इस तरह से कंपनी के पास काफ़ी अच्छे जो काम करने के, और इस समय जो लगभग जिस हिसाब से कंपनी पोर्टफोलियो है वो बहुत बड़ा है। 450 प्रोडक्ट का होना एक बड़ी बात है, उसके साथ साथ 150 सेटिस्फाइड कस्टमर होना। तो इस तरह से ये सब रिसर्च के बाद ही देखिए आशीष कचोलिया जी ने जो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया वो 52 करोड़ की है, और उस 52 करोड़ से आप ये अच्छी तरह समझ सकती हैं कि एक मोटी रकम उन्होंने लगाई है अपनी रिसर्च के बाद। तो डेफिनेटली ये शेयर आपको आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न देता हुआ नज़र आएगा।